सबको जय यीशु, जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और प्रभु का वचन बताता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। आप और मैं प्रभु के पास आए हैं और वो हमें कभी नहीं ठुकराएगा और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबका मेरे परिवार की तरफ से इस ऑनलाइन प्रार्थना में, हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में, इस प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए कुछ देर हम प्रभु के साथ समय बिताएं, क्योंकि वचन बताता है कई और हजार दिन बिताने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। कई और हजार दिन रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के मंदिर में प्रभु के साथ बिताना कितना अच्छा है। और प्रभु का वचन हमें बताता है, ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो करुणामय है, वो दयालु है। तो हम उस करुणामय दयालु प्रभु की स्तुति और आराधना करें। और वचन हमें ये भी बताता है कि प्रभु आराधना और महिमा के योग्य हैं। जब वो प्रभु आराधना और महिमा के योग्य हैं तो हमें भी उसकी आराधना और स्तुति करनी चाहिए। और प्रभु कहता है कि मुझे ऐसे आराधक पसंद हैं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। और जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, आराधना में इतनी शक्ति है, स्तुति में इतनी शक्ति है कि बड़ी बड़ी अंधकार की शक्तियाँ, बड़े बड़े बंधन खुल जाते हैं। जैसे हम देखें प्रेरित चरित अध्याय 16 में पौलुस और सिलास आधी रात को प्रभु की स्तुति कर रहे थे, जेल में बंद होकर आधी रात को प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की महिमा गा रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे। और क्या हुआ, वहाँ पर प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु की शक्ति वहाँ पर उतर आई। और वचन बताता है बंदी गृह की नींव हिल गई, बेड़ियाँ टूट गईं। तो जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारे भी जीवन में जो बुराइयां हैं हिल जाएंगी, हमारे भी जीवन में जो बंधन है टूट जाएंगे, बेड़ियां खुल जाएंगी। और वो सामर्थ्य प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, बस देखते रहो उसकी महिमा को, देखते रहो उसकी ताकत को, देखते रहो उसके कहने पर। वचन बताता उसके कहने पर हवाएं चलती हैं, उसके एक डांटने पर बादल शांत हो जाते हैं, आंधियां शांत हो जाती है। वचन बताता है कि वो नाव में सवार थे और एकाएक आंधी हुई, भूकंप उठा, समुद्र की लहरें लहला उठी और शिष्य डर गए और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने कहा, आंधी को कहा, शांत हो जा, और वो शांत हो गई। प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ्य महान है। तो उस प्रभु की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए इस समय मैं आप सबके लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करूंगा और एक मन एक हृदय होकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। गीत को गाएंगे तालियां बजाते हुए, पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाते हुए, और प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे।
मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, वचन बताता है डरो मत, खुदा के नजर के काम देखो। खुदा की नजर के काम देखो, खुदा की नजर के काम देखो, खुदा की नजर के काम देखो, खुदा की नजर के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। जब चलती है खुश्क जमी हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमी हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमी हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डराता था और रस का भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रस का भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रस का भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो।
की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। भरते जाएंगे खुदा की सना हम गाएंगे, पाखर से भरते जाएंगे, खुदा की सना हम गाएंगे, पाखर से भरते जाएंगे। नारे फतह के लगाएंगे, यरीहो की दीवारें गिराएंगे, नारे फतह के लगाएंगे, यरीहो की दीवारें गिराएंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, प्रभु की महिमा प्रभु की शक्ति को देखो, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, 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 डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो
खुदा की नजात के काम देखो। दूर भी हवाएं जब चलती है खुश्क जमी हो जाती है। दूर भी हवाएं जब चलती है खुश्क जमी हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है। डर मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रसता भी न देता था। वो ही पानी जो डराता था और रसता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो आपका प्रभु आपसे कहता है करो मत बस चुपचाप खड़े रहो। और उसकी महिमा को आप देखिए जब आप चुप रहोगे उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत 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 चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम खुदा की नजात के नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप।
डरो मत 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 चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो बुलाए यीशु
हमारे बीच में है और वो कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, बस उसकी महिमा को देखो। उसकी महिमा अद्भुत है, उसने अपनी महिमा प्रकट की। वो कहता है डरो मत, बस चुपचाप खड़े रहो, ईश्वर की महिमा को देखो। वो प्रभु कहता है मेरे भाई मेरी बहन, भले ही आपकी जान चली जाए, भले ही आपको अपमानित और लज्जित होना पड़े, भले ही आपको नीचा दिखाया जाए, भले ही आपकी बदनामी की जाए, प्रभु कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। प्रभु कहता है बस तुम्हारा विश्वास डावाडोल ना हो। मेरा विश्वास यदि तुम्हारे अंदर है, मुझ में विश्वास करते हो और पिता में भी, तो जो चाहो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। वही प्रभु कहता है डरो मत, तुम्हारा विश्वास मुझ में बना रहे, तुम्हारा विश्वास मुझ में बना रहे, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, चाहे जान चली जाए। मेरे भाइयों मेहर बहन, हमारा विश्वास ऐसा हो, हमारी जान भले चली जाए, हमारी गर्दन भले ही कटवानी पड़े यीशु के लिए, लेकिन हमारा ईमान न जाए। और प्रभु यदि कभी मौत भी आए ना, तो तेरी ही बाहों में आए, ऐसा मुझे बना, ऐसी भूख और ऐसी प्यास प्रभु मुझ में जगा तेरे प्रति। एक आवाज में कहेंगे, एक साथ ऊंची आवाज में प्रभु से कहे, प्रभु चाहे तो जान चली जाए लेकिन मेरा ईमान न जाए। मैं
विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। सभी लोग इस समय कहें प्रभु से, जाए तो जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए, जब कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। कितना सौभाग्य है वाली हैं हम, जाए तो जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए, जब कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास। सभी लोग ऊंची आवाज में गाएं अपनी प्रार्थना बनाते हुए, मैं विश्वास करूंगा। एक बार और प्रभु से कहें ऊंची आवाज में, विश्वास के साथ, मैं विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, चाहे तो जान चली जाए, चाहे तो जान चली जाए, प्रभु तेरे लिए मरना भी पड़ेगा, मेरा विश्वास ना जाए, जब कभी मौत भी मांगे। प्रभु जब मैं कभी मरूं, मेरी मौत आए, तो मैं तेरी बाहों में हूं, यीशु की बाहों में आए, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी है, मैं कभी ना मरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी विश्वास करूंगा, मैं ना मरूंगा। प्रभु चाहे मुझे मरना पड़े तेरे लिए, मैं ना डरूंगा, तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करूंगा कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, विश्वास करूंगा, थैंक यू जीसस, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, कहें मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु से कहें प्रभु मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, यीशु का सिपाही हूँ जरूर लड़ूंगा, मैं यीशु का सिपाही हूँ, मैं लड़ूंगा, विश्वास करूंगा, मैं 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 विश्वास करूंगा, दोहराते जाए, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु से कहें प्रभु मैं तुझ में विश्वास करूंगा, भले मेरी जान चली जाए, तुझसे बढ़कर नहीं है, तू मेरी जिंदगी है, कभी ना मरूंगा, तू मेरी जिंदगी है, मैं नहीं मर सकता, मेरा शरीर भले ही मर जाए, मेरी आत्मा जिंदा है, कभी ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा,
मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, जैसे संपत्ति ने विश्वास किया मैं विश्वास करूंगा, प्रभु से कहे मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया प्रभु मैं वैसा विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, जैसे रक्त स्राव से बहती हुई स्त्री ने विश्वास किया कि मैं यीशु को पल्ला भर छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, जैसे शतपति के नौकर ने विश्वास किया मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा प्रभु, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए मैं विश्वास को, तो जैसे इस तरह उसको पत्थरों से मारा गया लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी जान दे दी, ओ प्रभु ऐसा सौभाग्य मुझे दे, अपनी गोद में ले लिया, ईश्वर ने अपनी गोद में उसे ले लिया, मैं विश्वास करूंगा, एक बार और कहें प्रभु चाहे जान चली जाए, जाए तो जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए, जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में, मैं विश्वास करूंगा, पौलुस के समान मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, थैंक यू जीसस, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास, प्रभु चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा शरीर ही तो मर सकता है प्रभु, मेरी जान, मैं विश्वास, मेरी आत्मा तो तेरी है, मैं विश्वास करूंगा, मरते दम तक विश्वास करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, चाहे तो जान चली जाए, मेरा ईमान न जाए, यीशु मेरी जिंदगी है, मैं ना मरूंगा, मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपकी और मेरी जिंदगी है, भले ही हम मर जाए, हमारा शरीर मर सकता है, ये शरीर मरेगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, ये आत्मा उसकी है, मैं ना डरूंगा, मैं बस विश्वास करूंगा, आप डरिए मत, आपका प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु कहता है मत डरिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु कहता मत डरिए, बस विश्वास कीजिए, प्रभु से कहें प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, यीशु मेरी जिंदगी है, मैं ना डरूंगा, चाहे तो जान चली जाए,
जब कभी मौत भी आए यीशु तो तेरी बाहों में आए। जैसे स्तेफनुस को प्रभु के सुसमाचार प्रचार कार्य की वजह से पत्थरों से मारा गया, बड़े हंस के वो सहता गया और वचन बताता है कि उसने देखा कि स्वर्गदूत ईश्वर उसे अपनी बाहों में गोद में लिए हुए वो मुस्कुराते हुए यीशु की बाहों में मर रहा है। मैं ना डरूंगा, बस विश्वास करूंगा, मेरा खुदा मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। वह प्रभु जो हमसे ये कहता है वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। प्रभु हमसे क्या चाहता है आज हम जानेंगे वचन के द्वारा। प्रभु की इच्छा और योजना मेरे भाई मेरी बहन आपके और मेरे लिए क्या है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु चाहता है आपसे और मुझसे चाहता है। नंबर एक बात आप चाहें तो लिख लें, नंबर एक बात प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी हमारे लिए एक इच्छा ये है, वो ये चाहता है। दूसरा हमसे अपना, हम उसे अपना ईश्वर माने और उसकी आराधना करें। दूसरा प्रभु ये चाहता है कि हम उसे अपना ईश्वर माने और उसकी आराधना करें। और प्रभु की आज्ञा भी हमारे लिए ही है कि प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना और उसको छोड़ किसी और की नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक ही ईश्वर है, वो है प्रभु यीशु, उसकी आराधना करना। तीसरा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसका नाम व्यर्थ ना लें, व्यर्थ की बातों में, झूठी बातों में, अपने मतलब में, अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रभु का सहारा लेकर व्यर्थ में प्रभु के नाम को ना लें। प्रभु की इच्छा है हमारे लिए। चौथा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके दिन को पवित्र रखें। क्या करें, प्रभु क्या चाहता है? चौथा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके दिन को पवित्र रखें। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ें, प्रभु ने 6 दिन कार्य किया, इस संसार की सृष्टि की, इस दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया और पहाड़ पहाड़ियों को, सूरज चांद सितारों को, फलदार वृक्ष, सब कुछ बनाया, समस्त संसार की सृष्टि की। और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। वचन बताता 7वें दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को, कौन से दिन को? ईश्वर के दिन को उसने क्या करा? पवित्र ठहराया, पवित्र बनाया। और 7वें दिन को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और वो दिन है इतवार का दिन, रविवार का दिन, प्रभु का दिन है। प्रभु चाहता है कि हम उस दिन को क्या करें? पवित्र बनाए और उसके आदर में। पवित्र कैसे बनाए? चर्च जाएं, मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रार्थना सभा में भाग लें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के आदर में बने रहें। प्रभु का वचन बताता है उस दिन ना तो तुम कुछ काम करो, ना तो अपने नौकरों से काम कराओ, ना तो यात्रा पे जाओ। प्रभु ने 7वें दिन को आशीष दी और हम उसी दिन, बहुत सारे लोग मंदिर में प्रभु के पास नहीं जाते, क्योंकि यदि आप मेरे भाई और बहन चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीर्वाद दे, 7वें दिन को उसने आशीर्वाद दिया, विशेष आशीर्वाद, वो दिन उसका है। उसे पवित्र बनाए और उसका आदर करें, देखना आपके जीवन में प्रभु रहस्य में चमत्कारी कार्य करेगा जब आप उसके बात को मानोगे। 7वें दिन को आशीष दी उसने, 7वां दिन उसका है, उससे दें। इधर उधर ना जाएं, पिकनिक मनाने ना जाएं, घूमने ना जाएं, पिक्चर देखने ना जाएं, मौज मस्ती करने ना जाएं, रिश्तेदार के घर ना जाएं, बल्कि प्रभु के दिन को पवित्र रखें।
यदि आप उसके दिन को पवित्र रखोगे, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा उस दिन। शायद उस दिन प्रभु ने आपके लिए आशीष रखी हो कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे मंदिर, मेरे घर आएगा और मैं उससे आशीष दूंगा। प्रभु ने आपके लिए उस दिन आशीष रखी और आप नहीं गए, क्या होगा? क्या वो आपको आशीष मिलेगी? प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, प्रभु का दिन है और आप नहीं पहुंचे, फिर आप कहोगे प्रभु ने आशीष नहीं दी। फिर प्रभु हमसे चाहता है, क्या चाहता है? अपने माता पिता का हम आदर करें, माता पिता का आदर करें। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, उन्हें अपशब्द बोलते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ये चाहता है हमसे, आज हम सीख रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या क्या बात चाहता है कि हम करें। जब हम इन बातों को करेंगे, अपने जीवन में सुधार करेंगे, प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, खुश होगा, वो हमें आशीष देगा। और वो ये चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। और प्रभु ने वचन में ये भी कहा कि इसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है। यदि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 आप पढ़ें, वहाँ पर पूरा पूरा लिखा गया है, यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, तब प्रभु का वचन बताता है कि आपके घर की नींव उखड़ जाएगी। यदि आप अपने माता पिता को दुख देते हैं तो प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि माता पिता को संतान पर अधिकार दिया है। वो अधिकार कहीं और से नहीं है, ईश्वर की ओर से है। और ईश्वर चाहता है कि संतान अपने माता पिता का क्या करे? आदर करे, उनकी बात माने और उनका सम्मान करे। दूसरा, प्रभु चाहता है कि हम चोरी ना करें, चोरी ना करें। हम चोरी करते हैं, चोरी मतलब यही नहीं कि आपने किसी का कुछ चुरा लिया, उसके अलावा चोरी क्या? इतवार को चर्च जाना था, आप नहीं गए, आपने उस दिन की चोरी कर ली। आपको घर में आधा घंटा, प्रभु ने 24 घंटे आपको दिन में दिए, सुबह से अब तक 24 घंटे दिए हैं, प्रभु ने आपको 24 घंटे दिए हैं। वो 24 घंटे का दसवां हिस्सा बनता है 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि आपकी जिंदगी जो प्रभु ने दी है एक दिन की, उसका 2 घंटा 40 मिनट प्रभु का बनता है। और आपने वो समय प्रभु को नहीं दिया, आपने चोरी की। आप यदि 2 घंटा 40 मिनट नहीं बैठ सकते, कम से कम 40 मिनट तो बैठ सकते हैं गप लड़ाने के लिए, बातचीत करने के लिए, पड़ोसन के साथ, पड़ोसी के साथ ताश खेलना, बीड़ी गुटखा पीने के लिए, शराब पीने के लिए, पिक्चर देखने के लिए 3 घंटा बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। क्या प्रभु के साथ 40 मिनट नहीं बैठ सकते? चोरी कर रहे हैं आप, चोरी। और प्रभु का वचन मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 में भी प्रभु का वचन बताता है, तुम अपनी उपज का पहला भाग, अपनी खेती का, अपनी नौकरी का, अपनी हर चीज का पहला हिस्सा प्रभु का है, प्रभु का है। यदि आपने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए दसवां अंश प्रभु के कार्य के लिए है, प्रभु के मंदिर में चढ़ाओ, किसी की मदद के लिए, किसी की सहायता के लिए। 10,000 सैलरी है, 1,000 रुपए प्रभु के ईमानदारी से निकाल देना, प्रभु चाहता है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। और इसका नतीजा आप जानते हैं, यदि आप प्रभु के साथ दगा करोगे, क्या आप प्रभु के साथ दगा कर सकते हैं? कोई मनुष्य ईश्वर के साथ विद्रोह कर सकता है? जरा सोच के देखिए, ईश्वर के साथ विद्रोह कभी सोचा ही नहीं। जरा सोच के देखे, विचार के देखे, गहराई से सोचें, प्रभु के साथ विद्रोह करने का मतलब आप जानते हैं? मैं बताऊंगा, टाइम की कमी है, कहोगे हमें डरा दिया, कभी समय मिलेगा अच्छे से मैं बताऊंगा। यदि प्रभु का जो हिस्सा हम मारते हैं, कहीं ना कहीं चोरी हो जाएगा, या तो हमसे खो जाएगा, गिर जाएगा, दवाई में चला जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, ऐसी जगह लग जाएगा, या फिर बरकत नहीं आएगी घर में, बतेरा कमाओगे,
हैं, कमाओगे तो सही, छेद वाली थैली में डालोगे, इसका मतलब ये है डालोगे नीचे से निकल जाएगा। चोरी प्रभु का है, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दें भाई, प्रभु के साथ चोरी ना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, बैठें, प्रार्थना करें। आपने वचन नहीं पढ़ा, आपको समय मिला था, आपकी आत्मा कह रही थी बैठ जाऊं, लेकिन फोन में आपने समय बिता दिया, गवा दिया, आपने चोरी की। किसी की मदद करनी चाहिए थी आपको, किसी ने आपसे मदद और सहायता मांगी, आप कर सकते थे, आपने नहीं की, आपने चोरी की। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा ना करें। दूसरा, प्रभु चाहता है कि हम झूठ ना बोलें और ना ही झूठी गवाही दें। हम बात बात में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, हल्के में लेते हैं। प्रभु क्या चाहता है कि हम झूठ ना बोलें। फिर प्रभु हमसे क्या चाहता है, पराई स्त्री का लालच ना करें, किसी वस्तु का, किसी स्त्री का जो प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहें। कई लोग मेरे पास बहुत फोन आते हैं सुबह, बहुत, सबसे ज्यादा यही बात, मेरा पति किसी दूसरी स्त्री के साथ है, मेरे साथ शादी की है और घूमता फिरता किसी और के साथ है, बातचीत किसी और के साथ करता है। इसीलिए परिवार, मेरे भाई मेरी बहन, अधिक से अधिक आज जो परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच झगड़ा है, किस बात का, इसी बात का प्रभु ने आपको, आपकी पत्नी को दिया वरदान के रूप में। वचन बताता है जिससे एक पत्नी मिलती है उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। आपकी जो पत्नी है वो ईश्वर का वरदान है, और यदि आप उसके साथ दगा करते हो, आप उसके साथ विश्वासघात करते हो, आपने अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि ईश्वर के साथ विश्वासघात किया, और ईश्वर के साथ विश्वासघात करने का नतीजा और मतलब आप समझ सकते हैं, आपके साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। जिस दिन हो गया उस दिन कोई संभालने वाला नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखना, और बहन आप भी ध्यान रखना, किस आपको जो पति मिला है वो ईश्वर की ओर से मिला, ईश्वर का वरदान है। यदि आप पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे हैं, प्रभु उसका हिसाब लेगा, छोड़ेगा नहीं। एक दिन ऐसा हिसाब लेगा, उठ नहीं पाओगे। प्रभु चाहता है कि ऐसा ना करें, पराई धन का लालच ना करें। प्रभु चाहता है हम अपनी सारी आत्मा, अगला प्रभु क्या चाहता है, दूसरा, हम अपनी सारी आत्मा, वचन बताता है सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारे हृदय से क्या करें, अपने ईश्वर को प्यार करें। प्रभु की इच्छा है, प्रभु हमसे चाहता है। आज हम सीख रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या क्या चाहता है। कई लोग चाहते हैं प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्या हम करें, हम बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, क्या करें, प्रभु क्या चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप सीख लें, आप समझ लें प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु चाहता है, देखिए, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से उसे प्यार करें। अगला, उसके नाम में विश्वास करें, प्रभु के नाम में विश्वास करें। और वचन बताता, जो कोई उसके इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करता है, उसके विश्वास के द्वारा उसे उसके पापों से मुक्ति मिलती है। प्रेरित चरित्र में लिखा हुआ अध्याय 2 में, जो उसके नाम में विश्वास करेगा उसको उसके पापों के द्वारा, पापों से उसके नाम में विश्वास करने के द्वारा मुक्ति मिलेगी। प्रभु चाहता है कि हम उसके नाम में विश्वास करें, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उसमें दृढ़ हो। और प्रभु की इच्छा ये है कि हम उसके इकलौते पुत्र में विश्वास करें। अगला, उसे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करें। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करने वाला, मेरे पापों से, मेरी समस्या से, मेरी बीमारी से, मेरी गरीबी से मुक्ति, छुटकारा और उद्धार करने वाला एकमात्र प्रभु है। कई लोग उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए कहाँ जाते हैं, झाड़ फूंक वाले के पास, टोना टोटका करने के वाले के पास, कि वो कुछ दे देगा, हैं, थोड़ा सा पानी दे देगा घर में छिड़क देना, थोड़ी सी राख दे देना घर में डाल देना, धागा दे देना बांध देना, किसने कहा, ईश्वर से बढ़ के है। वचन बताता है उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, शब्द मात्र से वही एकमात्र ईश्वर है।
धागा आपको मुक्ति देगा, है राख मिट्टी आपको मुक्ति देगी, तावीज आपको मुक्ति देगा, ये नश्वर चीजें। जीवित ईश्वर, एकमात्र ईश्वर वचन बताता है मनुष्य को मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए एक नाम दिया गया है, एकमात्र नाम, वह है ईसा का नाम। जो नाम में विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु कहता वही एकमात्र उद्धार है। दूसरा, प्रभु क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम पाप ना करें। वचन भी बताता है पुत्र यदि तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करना। प्रभु की इच्छा है, प्रभु हमसे चाहता है कि हम पाप ना करें। अगला, प्रभु क्या चाहता है, बुराई ना करें, चुगली ना करें, बल्कि भलाई करते जाएं। प्रभु चाहता है कि हम बुराई ना करें। बहुत सारे लोग बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, मेरी सास ऐसे करती है, मेरा ससुर ऐसे करता है, मेरा पिता ऐसे करता है, मेरे बच्चे ऐसे, शिकायत शिकायत शिकायत, प्रभु ने ऐसा किया। प्रभु ने तो कोई शिकायत नहीं की, उसने सारा बोझ आपका जो आपको मिलने वाला था उसने धैर्य से ले लिया, उसने तो कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप सह लिया। और प्रभु भी वही चाहता है कि आप बुराई ना करें, बल्कि बुराई को भलाई के द्वारा हासिल करें, उस पर विजय प्राप्त करें, बुराई पर भलाई के द्वारा जीत हासिल करें, विजय प्राप्त करें। अगला, प्रभु क्या चाहता है, किसी को धोखा ना दें, ठगे ना, अत्याचार ना करें, धोखा ना दें। बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, किसी ने आपसे मदद मांगी और आपके पास किसी ने आपसे कहा मुझे 100 रुपये उधार चाहिए, या मान लो 10,000 चाहिए, और आप लखपति हैं, करोड़पति, आपका बिजनेस है, प्रभु ने आपको भरपूर मात्रा में आशीष दे रखी है, आप कर सकते हैं, और आपने नहीं किया, और आपने कह दिया, उसके आग्रह करने पर, मांगने पर आपने कह दिया हाँ मैं दूंगा करूँगा, और बाद में आपने नहीं किया। सोच के देखिए, क्या वो रोएगा नहीं, क्या उसके आंसू नहीं निकलेंगे, क्या उसका दिल नहीं टूटेगा, उसके मन से क्या बात आएगी। उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा, आपके कार्य में रुकावट और बाधा आप स्वयं बन रहे हैं। प्रभु कहता धोखा ना दें, यदि आपको देना है दें, हाँ करिए तो हाँ करें, नहीं कर सकते तो ना करें। ईमानदारी से किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, किसी को ना ठगें, प्रभु का वचन बताता है। अगला, प्रभु का वचन बताता है पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। प्रभु का वचन कहता है पाप, अपने पाप को, यदि तुमने गलती की है, पाप किया है, उसे स्वीकार करें और पश्चाताप करें। वचन बताता है जो अपने अपराध, अपने पापों को स्वीकार करता है उसे क्या मिलेगी, तरक्की। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ है जो अपने पाप छिपाता है वह कभी उन्नति कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, और जो उसे प्रकट कर छोड़ देता है, यानी कि पश्चाताप करके छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु चाहता है कि हम पापों को स्वीकार करें, अपनी गलती को माने, प्रभु मैंने ऐसा किया है, और पश्चाताप करके उसके पास लौट आए। अगला, प्रभु क्या चाहता है, प्रार्थना करें सताने वालों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मन बैरियों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करोगे प्रभु आपको आशीष देगा। और आप सोचते प्रभु नहीं जानता, प्रभु सब जानता, प्रभु का वचन बताता है तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता तुम्हें क्या चाहिए, प्रभु आपकी जरूरत जानता है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा है। अगला, प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की इच्छा है कि हम उसका वचन पढ़े, उसे जाने, उस ईश्वर को जाने, उसकी ताकत उसकी सामर्थ को जाने, उसका वचन पढ़ें, उसके वचन को खाएं। वचन प्रभु का वचन बताता है कि अब प्रभु के वचन को राह चलते, घर में आते जाते उसे पढ़ें, उसका मनन करें, और अपनी दीवारों पर लिख लें, अपने बच्चों के माथों पर लगा दें, वचन पढ़ें। क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रभु ने, यीशु ने शैतान को हराया, और वो भी यही चाहता है कि आप उसके वचन को पढ़ें और उसे हराएं। अगला, प्रभु क्या चाहता है, अन्याय ना करें बल्कि क्या करें, न्याय करें। फिर विधवा और अनाथों की मदद करें। प्रभु कहता है कि अन्याय ना करें बल्कि क्या करें, न्याय करें, विधवाओं और अनाथों की मदद करें।
दान दें, दूसरों की मदद करें, जितना हो सके दान दें प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए दान दें, उनकी मदद करें। दूसरा, प्रभु आगे क्या कहता है, प्रभु चाहता है लड़ाई झगड़ा ना करें। बहुत लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा ना करें बल्कि शांति बनाए रखें। अगला, प्रभु क्या चाहता है, एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु का वचन बताता है जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तू वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार किया करो, प्यार करो, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया प्रेम, क्योंकि वह स्वयं प्रेम है और वह चाहता है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। अगला, प्रभु क्या चाहता, ईमानदारी का जीवन जिए और प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदारी का जीवन जो है उसमें संतुष्ट रहें, ईमानदारी प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। प्रभु के प्रति जो ईमानदार रहता है प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु के प्रति ईमानदार रहता है प्रभु से आशीर्वाद देता है। प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, कहें कैसे ईमानदार रहें, जब प्रार्थना का समय है प्रार्थना करें। जो कुछ प्रभु ने इस समय मैंने आपको बताया, प्रभु की इच्छा है कि हम ऐसा करें, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, इन बातों को मान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यही प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है। दूसरा, अपने को पवित्र रखें समस्त आचरण में, मन शरीर आत्मा में। प्रभु का वचन कहता है अपने को पवित्र रखें मन शरीर आत्मा में। प्रभु का वचन बताता है हमें अपने शरीर को पवित्र रखना, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, और वचन बताता है यदि कोई इसे नष्ट करेगा, अपवित्र करेगा, प्रभु से नष्ट करेगा। ये ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में, इस शरीर में ईश्वर का आत्मा निवास करता है, और वचन बताता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। आगे प्रभु का वचन बताता है तुम आज अपने को पवित्र करो, कल प्रभु तुम्हारे सामने चमत्कार करेगा। जब आप पवित्र होगे, पवित्रता के साथ आप रहोगे, पवित्र बनोगे, प्रभु का आत्मा आप में निवास करेगा। जब वो आपके साथ निवास करेगा, आपके अंदर होकर के, आपके साथ जुड़ करके वो प्रार्थना करेगा, वो आपके साथ जब रहेगा आप कभी हारोगे नहीं, आप कभी डरोगे नहीं, दुष्ट आत्मा आएगी नहीं, गरीबी आएगी नहीं, समस्या आएगी नहीं। और वो इसलिए कहता है कि पवित्र बनो, और वचन भी बताता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा ईश्वर पवित्र है। आगे प्रभु का वचन कहे नशा ना करें, नशा ना करें, नशा ना करें। दूसरा, घमंड ना करें। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, घमंडी हैं, अपनी धन दौलत पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी टैलेंट पर, अपने पैसे पर, बहुत चीज़ों पर घमंड दिखाते हैं। किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अपने से छोटे से मिलना पसंद नहीं करते, किसी ने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी उसके पास जाना पसंद नहीं करते। क्यों? हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, हम उससे मिलेंगे हमारी इज्जत जाएगी। अरे मेरे भाई मेरी बहन, ये स्टैंडर्ड, ये आदर, ये सम्मान, ये इज्जत कहाँ से मिली? प्रभु की ओर से मिली। यदि प्रभु ही आपको स्टैंडर्ड ना देता, यदि प्रभु ही आपको इज्जत ना देता, आपका स्टैंडर्ड बना रहे। हम घमंड करते हैं, ये धन दौलत किसने दी? प्रभु ने आपको दी है। ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर आपको किसने दिया? प्रभु ने दिया, और आप उसे घमंड दिखाते हैं। प्रभु, घमंड की वजह से ही आज जो लूसीफर था, आप जानते हैं लूसीफर जिसे हम कहते हैं शैतान, लूसीफर ये भी प्रभु का स्वर्गदूत था। मालूम है इसने एक गलती की, क्या? घमंड, घमंड किया। स्वर्गदूत था, देखिए ये स्वर्गदूत था, प्रभु की महिमा स्तुति करता था, इसने बस एक काम किया, क्या? घमंड। जब घमंड किया, ईश्वर ने इसे क्या किया? स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। और आज वो क्या कर रहा है आप जानते हैं, उसके विषय में मैं नहीं बताऊंगा। घमंड नहीं टिकता। जब ईश्वर उस स्वर्गदूत को इस धरती पर पटक सकता है घमंड की वजह से, आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। वो आपको भी पटक सकता है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। यदि उसने पटक दिया तो कोई उठाने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगला, प्रभु क्या चाहता है हम क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें, नफरत ना करें, जले ना, बैर ना करें। बहुत सारे लोग बैर रखते हैं छोटी छोटी बातों में, किसी को नीचा ना दिखाएं,
बहुत सारे लोग नीचा दिखाते हैं, अपने से नीचा दिखाते हैं। अगला, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें, पहला स्थान प्रभु को दें। अगला, प्रभु चाहता है हम चिंता ना करें। प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना ना करो, चिंता ना करें। प्रभु कहता है तुम चिंता करके क्या कोई अपनी उम्र की एक घड़ी भी, एक सेकंड भी बढ़ा सकता है? नहीं। इसलिए प्रभु कहता है चिंता ना करें। अगला, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है प्रभु पर भरोसा रखें। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु चाहता है हम प्रभु पर भरोसा रखें। अधिकार उस मनुष्य को जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, अपने प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु चाहता है। अगला, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु को अपने जीवन आलस्य का जीवन ना जिए, बल्कि मेहनत करें। बहुत सारे लोग मेहनत करना नहीं चाहते, आलस्य है, सुबह देर से सो के उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं, काम नहीं करते, माता पिता का हाथ नहीं बटाते, चर्च के कार्यों में हाथ नहीं बटाते, पुरोहितों के कार्यों में हाथ नहीं बटाते, प्रचारकों की मदद सहायता नहीं करते। आलस्यपन है, सुस्ती है, काम करना, नौकरी करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। प्रभु चाहता है कि हम आलस्य ना बने, बल्कि क्या करें? मेहनत करें। आगे प्रभु कहता है किसी की निंदा ना करें और बदनामी ना करें। किसी की निंदा ना करें। बहुत लोग निंदा करते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं, बदनामी प्रभु चाहता है ना करें। अगला, प्रभु क्या है? प्रभु तीन दुखियों की सहायता करें, मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। जो तीन दुखी हैं, जिनका कोई नहीं है, तीन दुखी हैं, गरीब हैं, प्रभु चाहता है तीन दुखियों की मदद करें और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा है मेरे भाई। अगला, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु को सारी बातों के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु का वचन बताता है प्रभु ईश्वर की आपके विषय में ये इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दिया करें। प्रभु चाहता है हर बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब कुछ खुशी आशीष मिलती है, प्रभु धन्यवाद मैं पास हो गया, प्रभु धन्यवाद आज ऐसा हो गया, प्रभु धन्यवाद मैं ठीक हो गया। दुख में भी धन्यवाद दे प्रभु को, कष्ट में भी आप ये कहें प्रभु धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, ये बीमारी के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया, तूने मेरी सुन ली है। धन्यवाद की प्रार्थना में, धन्यवाद में बहुत शक्ति है। मैंने पहले भी पीछे बताया है आप लोगों को धन्यवाद के बारे में, धन्यवाद का देने का क्या परिणाम है। प्रभु चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दे। हमारे विषय में ईश्वर की इच्छा यह है कि हम उसे धन्यवाद दे। अगला, प्रभु क्या कहता है? गुस्सा ना करें बल्कि नम्र बने। गुस्सा ना करें। गुस्सा करने के कारण बहुत सारे पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और गुस्से में हम बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है और ईश्वर की नजर में भी। प्रभु चाहता है कि हम गुस्सा ना करें। लास्ट, प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं। प्रभु की इच्छा है क्या? उसके सुसमाचार को सुनाएं। प्रभु ने आपको, मुझे, हम सबको चुना है इसलिए कि हम उसके सुसमाचार को, उसके वचन के वाहक बने, उसके गवाह बने, उसके साक्ष्य बने। समय असमय, वचन बताता है समय असमय सुसमाचार सुनाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैंने आपको बताया कि प्रभु की क्या इच्छा है हमारे विषय में, हम क्या करें। तो मैंने आपको बताया, ये इस समय हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, हाथों को जोड़े और प्रार्थना करें, प्रभु से शक्ति मांगे। जो प्रभु की इच्छा हमारे लिए, वो इच्छा प्रभु की हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, हम तेरी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ जय जयकार करते हैं। प्रभु तू महान है, तूने हमें बताया तेरी इच्छा क्या है, हम क्या करें। प्रभु तू, प्रभु क्या हमसे चाहता, आज हमने सीखा प्रभु तू क्या हमसे चाहता है, हमने सीखा प्रभु ये सब कुछ। प्रभु हमें हमारे जीवन में लागू करने की शक्ति दे, ताकि हम तेरे इन बातों का पालन कर सकें और जीवन में उन्नति और तरक्की कर सकें। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी कर सकूं, जैसे तूने प्रभु मरते समय, पीड़ा दुख उठाते समय तूने पिता से कहा, पिता
यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप भी प्रभु से कहें, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दे। प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों को जो प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना देख रहे हैं, आशीर्वाद दे, ये आशीर्वाद दे कि जो तू चाहता है ये अपने जीवन में करें, प्रभु हर बुराई को छोड़ सकें, त्याग सकें, जो तू चाहता है उसे अपना सकें, बुराई को त्यागने की, अच्छाई को अपनाने की शक्ति दे, इन्हें प्रभु आशीर्वाद दे। और इस समय जो इनकी मनोकामनाएं प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार कर, दया कर, सुनने की कृपा कर, पवित्र आत्मा से भर प्रभु, अभिषेक दे, इनका मार्गदर्शन कर, इन्हें मार्ग दिखा, रास्ता दिखा प्रभु, इन्हें चंगाई दे, शारीरिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई प्रभु, बुद्धि और ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, समझ दे, तेरे प्रति भूख और प्यास दे प्रभु, दया कर यीशु। प्रेम ईश्वर के पिता धन्यवाद तेरी परम पवित्र उपस्थिति के लिए, हम सबके बीच आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और हमें ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि तू हमसे क्या चाहता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रेमी पिता तेरे हाथों में हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी ज़रूरतें, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारा बिजनेस, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं स्वर्गीय पिता, और तेरा अधिकार हम मांगते हैं। तेरे पावन लहू हमारे घर की दीवारों पर, चौखट बिंदों पर प्रभु, हमारे घर के आंगन में, घर की हरेक वस्तु पर छिड़कते हैं। तेरे लहू का अभिषेक दे, तेरे लहू का संरक्षण दे प्रभु, हमारे बच्चे, पत्नी, बच्चों पर प्रभु, मेरे पति पर, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पर तेरे लहू का बाड़ा, आत्मा की आग का बाड़ा बांध प्रभु, ताकि बैरी की कोई शक्ति, कोई चाल मुझ में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में प्रवेश ना कर सके प्रभु। तेरा आत्मा मेरे घर के चारों, तेरे स्वर्गदूत मेरे घर के चारों लगे रहें। स्वर्गीय पिता सारी महिमा आदर आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं, बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमने सीखा और जाना कि प्रभु की हमारे बारे में क्या इच्छा है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। आज हमने सीखा प्रभु हमसे क्या चाहता है, जो हम करें, और हमने जाना, और प्रभु से कृपा और शक्ति मांगे, इन बातों को सीखें, और जब प्रभु हम इन सब कार्यों को अपने जीवन में लागू करेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु हमारी इच्छा को पूरा करेगा, उसकी इच्छा को पूरा करें, वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। आज बहुत गर्मी है, बार बार पसीना आया, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ, हमने गाया, चाहे तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। मेरे प्रिय भाई, प्रभु ने भी पसीना बहाते हुए, खून बहाते हुए, उनका खून पसीने के समान, उनका पसीना खून के समान बहता गया, और वो प्रार्थना करते गए। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, और मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार की ओर से, मेरे दिल से आपके लिए दुआ है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि परिवार को आपकी उन्नति, तरक्की हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं, और यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपना निवेदन भेजना चाहते हैं, अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और फ़ोन कर सकते हैं, एक ही नंबर है 8279997397। इस नंबर में आप फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, लिखना नहीं आता, स्पीकर, व्हाट्सएप में स्पीकर है, वॉइस मैसेज भेज दीजिए। और यदि आप में से जो लोग कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कई लोग पूछते हैं, तो वो पर्सनल फ़ोन करते हैं, हम उन्हें बता देते हैं जो भी है। तो आप में से भी जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पर्सनल फ़ोन कर सकते हैं, हमारा एक ही नंबर है। यदि हम और
आपसे अनुरोध करूँगा आप इस प्रार्थना को और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोग प्रार्थना में जुड़ सकें। आप खुद मत बचिए, अपनी आत्मा मत बचाइए, दूसरों की भी आत्मा को बचाइए। जब आप एक आत्मा बचाएंगे प्रभु आपको पुरस्कार देगा। आप लोगों को बोलिए, प्रार्थना देखें, जुड़ें, और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार बच्चों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, कल हम मिलेंगे फिर एक बार रात को 8:30 बजे। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूर आना, एक अपने साथ और भी लोगों को लेके आना, जुड़ जाना और आशीष देंगे प्रभु। प्रिय भाई बहनों, आपको, आपके परिवार बच्चों को प्रभु सदा सर्वदा आशीर्वाद देता रहे। गॉड ब्लेस यू।